Hello everyone, I am Mamta Ma'am from Adhesives Pioneer. Today we will be starting with 6th standard in English, first unit, first chapter. Okay, before starting with the session चालू होने से पहले मैं थोड़ा सा कैसा है सब्जेक्ट को लेके 6th स्टैंडर्ड को लेके टॉक करना चाहती हूँ. ओके, तुमको जैसे ही पता है कि जैसे हम हायर स्टैंडर्ड जाते हैं थोड़ा सा हमारा क्या लेवल बढ़ जाता है, हर सब्जेक्ट में थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल बढ़ता है. सेम विद 6th स्टैंडर्ड तुम्हारा थोड़ा सा लैंग्वेज का लेवल बढ़ेगा. जहां तक लैंग्वेज की बात है वहां पे कैसा है वोकैबुलरीज डिफिकल्ट वर्ड्स जो है वो और ज्यादा हो जाएगा. तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि यू आर रीडिंग योर टेक्स्ट बुक, तुम अपनी टेक्स्ट बुक्स रीड कर रहे हो. अब तुमको अगर ऐसा प्रॉब्लम है कि अरे हमारे पास टेक्स्ट बुक नहीं है तो ई बालवाटी के वेबसाइट पे तुमको टेक्स्ट बुक्स फोन पे मिलेगा, तो उससे क्या कर सकते हो तुम रीड कर सकते हो. बट इट वुड बी मच बेटर अगर किसी से तुम टेक्स्ट बुक ले लो या स्टोर से परचेस कर लो तो और भी बेटर रहेगा. ओके, सो लेट अस स्टडी टुडे. इंग्लिश का जो फर्स्ट चैप्टर है उसको मैं टीच कर रही हूँ. अब इंग्लिश के जो चैप्टर्स है, इंग्लिश के जो पोएम्स है, ओके, ये सब मॉरल वाले पोएम्स या चैप्टर्स रहते हैं. मतलब लैंग्वेज ऐसा सब्जेक्ट है तुम्हारे इसमें जहां पे तुमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है. यू गेट अ लॉट टू लर्न. ओके, हर पोएम में, हर चैप्टर में कुछ ना कुछ मॉरल्स रहता है जिससे तुम सीख सकते हो, अपने लाइफ में इम्बाइब कर सकते हो. ओके, वैसे ही हमारा फर्स्ट पोएम है डोंट गिव अप. ओके, नाउ व्हाट इज डोंट गिव अप? कभी हार नहीं मानना है, कभी हार नहीं मानना है. ओके, तो लेट अस सी द पोएम. इफ यू हैव ट्राइड एंड हैव नॉट वन, नेवर स्टॉप फॉर क्राइंग. ओके, मतलब अगर ऐसा है कि तुमने कोशिश किया है लेकिन नहीं हुआ, कोशिश किया लेकिन नहीं कर पाए, तो रोकते हुए बैठना नहीं है. ओके, डोंट स्टॉप. ओके, मतलब रोकने का काम नहीं करना है. ऑल स्टार्ट्स ग्रेट एंड गुड इज डन जस्ट बाय पेशेंट ट्राई. मतलब हो जाएगा, तुम पेशेंटली कोशिश करो ना, हो जाएगा, फिर नहीं होगा. मैं एक सिंपल से एग्जाम्पल देती हूँ. ओके, जब थॉमस एडिसन, यू माइट हैव हर्ड अबाउट हिज नेम, कुछ ने सुना रहेगा कुछ ने नहीं सुना रहेगा. थॉमस एडिसन वॉज अ पर्सन हु इन्वेंटेड बल्ब. ओके, जो बल्ब इन्वेंट किया था उन्होंने किया था. तो पर्सन ने जब इन्वेंशन करने को गए, ओके, उन्होंने सोचा मुझे इलेक्ट्रिक बल्ब बनाने गए. तो बोलोगे अरे इसमें क्या बड़ी बात है, अरे बाबा कभी इलेक्ट्रिसिटी इन्वेंट करना बड़ी बात था तो इलेक्ट्रिक बल्ब भी बहुत बड़ी बात थी. ओके, तो उन्होंने पहली बार ट्राई किया, नहीं हुआ, सक्सेसफुल नहीं हुआ, फेल. ओके, फिर उन्होंने दूसरी बार ट्राई किया, अब इसमें भी क्या हो गया, उनको सक्सेस नहीं मिला, फेल. फिर वापस तीसरी बार ट्राई की, वापस फेल. फिर चौथी बार ट्राई किया उन्होंने, फिर फेल. पांचवी बार ट्राई किया, फिर फेल. अरे पर्सन ने कितनी बार, मतलब 999 टाइम्स ट्राई किया इन्वेंटेबल. कितनी बार? 999 टाइम्स ही ट्राइड टू इन्वेंट अ बल्ब. ओके, और उसके बाद नेक्स्ट टाइम जो उन्होंने किया, देन ही वाज सक्सेसफुल इन ट्राइंग टू इन्वेंट अ बल्ब. तुम सोचोगे कि अरे हम तो एक दो में हार मान जाते हैं. वही चीज मैं बताना चाहती हूँ, वही चीज ही कोई बताना चाहता है. पेशेंटली कोशिश करो, क्यों नहीं हो सकता है, हर चीज हो सकता है. इवन एडिसन सेड दिस थिंग कि जब उन्होंने इतनी बार ट्राई किया तो उनको उससे क्या सीखने को मिला, नहीं ये मुझे तरीका यूज नहीं करना है, कि ये तरीके से क्या हो रहा है, इन्वेंशन नहीं हो रहा है. तो फ्रॉम ईच फेलियर ही लर्न दैट ये जो है ये तरीका मुझे नहीं अपनाना है, क्योंकि ये तरीके से इन्वेंशन नहीं हो पा रहा है. एंड ही लर्न फ्रॉम ईच ऑफ हिज फेलियर. तुमको भी क्या करना चाहिए, ऑल दैट्स ग्रेट एंड गुड इज डन जस्ट बाय पेशेंट ट्राई. जो भी अच्छा बड़ा बड़ा काम होता है वो सब पेशेंट ट्राइंग से होता है. एक दो बार कोशिश में कुछ नहीं हो सकता. तो वही तो चीज तुमको स्टडीज में करना है. व्हेन यू आर गोइंग फॉर एनी चैप्टर, जब तुम कुछ भी पढ़ने जाते हो, एक बार पढ़ने से नहीं होता, उसको बार बार करना पड़ता है, लेसन समझना पड़ता है, फिर अच्छे से याद करना पड़ता है. मैथ्स भी ऐसी ही है, उसको तुम एक बार देख लिए तो नहीं आएगा, तुमको खुद से दो तीन बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा. ओके, तो ऑल दैट ग्रेट एंड गुड इज डन जस्ट बाय पेशेंट ट्राइंग. यहाँ पे पेशेंट मतलब धैर्य रखना पड़ेगा. पेशेंटली कोशिश करोगे तो जो भी बड़ा चीज है, अच्छा चीज है, वो ट्राइंग से ही हो पाया है. सो डोंट गिव अप, कोशिश नहीं हारनी है. ओके, तो इफ यू हैव ट्राइड एंड हैव नॉट वन, तुमने कोशिश किया नहीं जीत पाए, नेवर स्टॉप फॉर क्राइंग. रुक के रोने का काम मत करो,
ऑल दैट्स ग्रेट एंड गुड इज डन, जो भी बड़ा और ग्रेट चीज होता है जस्ट बाय पेशेंट ट्राइंग, सब पेशेंट ट्राइंग से ही मिला है। दो यंग बर्ड्स इन क्लाइंग फॉल, तुमने कभी ऑब्जर्व किया है कि तुम्हारे, समझो अगर हमारे घर के बाहर कोई बर्ड्स नेस्ट देता है, बच्चा देता है, अगर तुमने ऑब्जर्व किया रहेगा तो उसमें कैसा रहता है, मतलब जो उनकी मदर रहती है, ओके, जो बर्ड्स रहते हैं वो लोग क्या करते हैं, उनके जो बच्चे हैं जब तक उड़ना नहीं चालू करते तब तक उनको पालते हैं। ओके, तुमने कभी उनका फ्लाइट अगर देखा रहेगा, फ्लाइट मतलब जो उड़ान वो लोग करते हैं, उड़ना चालू करते हैं उनका, कभी ना ऑब्जर्व करना, तो ये लोग क्या करते हैं, जब छोटे बच्चे रहते हैं देयर विंग्स जो रहता है थोड़ा सा वीक रहता है, ओके, तो वो लोग क्या करते हैं उड़ने का कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा उड़ने के जाते हैं, कोशिश करते हैं बाहर निकलते हैं उड़ने को जाते हैं, फिर बैलेंस नहीं होता है, फिर वापस से जगह पे आते हैं, फिर वापस से ट्राई करते हैं उड़ने को जाते हैं, ऊपर नहीं जा पाते, नीचे नहीं जाते, वापस से अपनी जगह पे आ जाते हैं। ओके, तो बहुत ही कैसा है, उनका विंग्स लाइट रहता है, वीक रहता है, बार 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 कोशिश करने पे ही वो कर सकते हैं। अगर वहां पे वो जो उसकी मदर है, बर्ड की जो मदर है, अगर उसने सोचा अरे नहीं नहीं मेरा बच्चा गिर जाएगा, मैं उसको गिरने नहीं दूंगा, मैं उसको पीठ पे रखूंगा, उड़ने बोलूंगा, हो सकता है क्या, कुछ नहीं हो सकता है। ओके, अगर उसकी माँ ने उसको छोड़ा नहीं कि अरे बाबा उड़ के जा, कुछ नहीं हो सकता है, वो सीखेगा ही उड़ने को, अगर उसकी माँ ने उसको नहीं धकेला कि नहीं जा उड़ने को जा, ओके, अगर ये करें कि नहीं नहीं मत जा तू गिर जाएगा, वो उड़ ही नहीं पाएगा, कभी नहीं उड़ पाएगा। और तुम अगर सोचो कि नहीं वो बड़ा होने के बाद एकदम मैच्योर होने के बाद उड़ेगा, नहीं बाबा नहीं हो पाएगा, एकदम बड़ा होने के बाद उसके विंग्स में ताकत ही नहीं रहेगा उड़ने के लिए, उसके विंग्स में उड़ने के लिए ताकत ही नहीं रहेगा, वो नहीं उड़ पाएगा, वो लाइफ टाइम वैसे ही रहेगा, वो सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो उड़ेगा नहीं, कुछ खाने को लाएगा नहीं, तो कैसे सर्वाइव करेगा। इसके लिए कैसा है, उनका ही ना पूरा जो प्रोसेस एक रहता है वो प्रोसेस से जाना ही पड़ता है। दो यंग बर्ड्स इन क्लाइंग फॉर, यंग बर्ड्स उड़ते उड़ते गिरते हैं, स्टिल देयर विंग्स ग्रो स्ट्रॉन्ग, जितनी बार उड़ेंगे उतनी बार उनका विंग स्ट्रॉन्ग होता है, एंड द नेक्स्ट टाइम दे कैन कीप अप अ लिटिल स्ट्रॉन्ग, और अगली बार, पहली बार थोड़ा सा उड़ा वापस आए, दूसरी बार उड़ने को कोशिश किया नीचे गए वापस आए, तीसरी बार और कोशिश करेंगे और थोड़ा दूर जाएंगे और थोड़े जाएंगे, तो नेक्स्ट टाइम दे कैन कीप अप अ लिटिल लॉन्ग, तो दूसरी बार क्या हो जाएगा और आगे कोशिश करते रहेंगे तो थोड़ी देर और क्या कर सकते हैं, फ्लाई कर सकते हैं। तो बर्ड के ये एग्जाम्पल में इतना अच्छा हमको कैसा है सीखने को मिल रहा है कि ये लोग इतना कोशिश करते हैं, ओके, हार नहीं मानते, वही चीज हमको करना है, डोंट गिव अप, वही चीज हमको करना है, यू डोंट नीड टू गिव अप। दो यंग बर्ड्स इन क्लाइंग फॉल, स्टिल देयर विंग्स ग्रो स्ट्रॉन्गर, एंड द नेक्स्ट टाइम दे कैन कीप अप अ लिटिल लॉन्गर, अगली बार वो और क्या कर सकते हैं, और देर तक क्या है अपने आप को हवा में रख सकते हैं। ओके, इतना ब्यूटीफुल लाइन्स है, तुमको सिर्फ क्या ध्यान देना है कि जब मैं पोयम करा रही हूँ, जो भी पैराग्राफ मैंने लिखाया हुआ है, फिर क्या करना है तुमको, वीडियो को पॉज करो एंड ये पैराग्राफ लिखना है, पॉज द वीडियो एंड राइट द पैराग्राफ, मीनिंग्स में लास्ट तक उधर ही रखूंगी, आई डोंट नीड टू राइट इट, मीनिंग्स लास्ट में लिख सकते हो। ओके, पैराग्राफ को क्या करना है, जब मैं टीच कर रही हूँ, क्योंकि इसके बाद मैं नेक्स्ट पैराग्राफ लिखने वाली हूँ, आई डोंट नीड टू राइट इट, तो वीडियो पॉज करके राइट इट डाउन। अब साथ साथ में लेट अस सी द राइमिंग पेयर, राइमिंग पेयर क्या होता है, तुम्हारे लाइन के आखिर का जो वर्ड है उसमें ना हर लाइन में कुछ वर्ड्स राइम करेंगे, राइमिंग मतलब कैसा है, दे विल बी हैविंग ऑलमोस्ट सेम प्रोनाउंसिएशन, सिर्फ लास्ट वर्ड, बीच के कोई भी वर्ड नहीं निकल सकते, वन क्राइम डन क्राइम, तुम राइम कर सकते हो वन और डन, तो यहाँ पे हमारा राइमिंग कौन सा है, राइमिंग वर्ड्स वन डन और एक है क्राइम क्राइम, जरूरी नहीं इसके बाजू में यही होना चाहिए, ओके, तो यहाँ पे वन डन है और क्राइम क्राइम, तो हम लोग सिर्फ एक एक पैराग्राफ का पहले देखेंगे, क्राइम क्राइम, अब सेकेंड पैराग्राफ में चेक करो, फॉल स्ट्रॉन्गर कीप लॉन्गर, देखो यहाँ पे राइम नहीं कर रहे हैं, फॉल स्ट्रॉन्गर राइम नहीं कर रहा है, फॉल कीप राइम नहीं कर रहा है, फॉल लॉन्गर राइम नहीं कर रहा है, स्ट्रॉन्गर लॉन्गर राइम कर रहा है, स्ट्रॉन्गर लॉन्गर, ये दो वर्ड्स राइम कर रहा है, स्ट्रॉन्गर एंड longer।
Okay, so you can write the rhyming words as well as this paragraph here. Now let us go for the next. Now let us go for the third paragraph. Okay, though the sturdy oak has known many a blast that bore her. यहाँ पे oak is a tree. Okay, oak क्या है? Tree है. Sturdy मतलब strong. तो जब एक झाड़ खड़ा है, जब एक ट्री खड़ा है, तो उसको बहुत सारा सहना पड़ता है, हवा, बहुत जोर का हवा आएगा, बारिश आएगा, ओके? तो दो द स्टडी स्ट्रॉन्ग जो ओक है, ओके, मैनी अ ब्लास्ट दैट हैव बोर्ड हर, उसको बहुत सारे कैसे ब्लास्ट, यहाँ पे मतलब क्या है, बॉम्ब ब्लास्ट वाला नहीं, पटाखे का ब्लास्ट नहीं, यहाँ पे ब्लास्ट का मतलब कैसा है, बहुत सारा तकलीफ ट्रबल उसको सहना पड़ा है. Okay, she has risen again and again, loftier and prouder. यहाँ पे loftier का मतलब है taller and stronger. Okay, तो उसको बहुत सारा blast सहना पड़ा है, बहुत सारा stormy wind सहना पड़ा है, लेकिन वापस से वो उठ के खड़ा है. And each time, हर बार, it has risen which is stronger and prouder. Okay, यहाँ पे मतलब कैसा है, हर बार कैसा है, जितना भी हवा आएगा, वो झुकेगा, वो गिरेगा. ओके, बेंड हो जाएगा, बट वापस से कैसे वो खड़ा हो जाएगा, एंड जितनी बार भी उसको तकलीफ होगा फिर भी वो स्ट्रॉन्गर खड़ा रहता है, वो हार नहीं मानता है. इफ बाय इजी वर्क यू बीट हू द नोबल प्राइज यू, अगर तुम आसानी से अगर तुम जीत सकते हो तो तुम इतना वैल्यू नहीं करता है. ओके, इतना वैल्यू नहीं करता. इमेजिन करो, ओके, जस्ट इमेजिन तुम लोग तीन जन रेस में हो, ओके, और तुम सबसे स्ट्रॉन्ग हो, तुम्हारे बाकी के जो जो कंपटीटर्स है दे आर वेरी वीक. ओके, ये तो सिंपल एग्जांपल ले लो, तुम सिक्स में हो, तुम्हारे साथ रेसिंग में छोटे बच्चे फोर्थ के हैं, थर्ड के हैं, अब तुमको मालूम है कि तुम फिफ्थ सिक्स में हो, तुमने ताकत ज्यादा है और रेस चालू किया, तो उसमें तुम फर्स्ट आते हो, तो उसमें बहुत बहुत मजा आता है क्या? नहीं आता है. जहां पे हमको मालूम है कि अरे विनिंग इज वेरी इजी, तो वहां पर इतना मजा नहीं आता. Gaining victory from the defeat, that's the test that tries you. जहाँ पे आप हारते हारते जीतते हैं, that is the test. सही test वो होता है. तुमने movie में से देखा रहेगा, जहाँ पे कोई matches होता है, तो matches कैसे दिखाते हैं? मतलब हारने वाले रहते हैं, हारने वाले रहते हैं, और अचानक से last में जीत जाते हैं. Almost all matches में वैसे ही रहेगा. तुम चाहे वो दंगल में रेसलिंग का मैच बोलो, तुम चाहे वो क्रिकेट में एमएस धोनी में क्रिकेट का मैच बोलो, या तुम चाहो कोई भी इवेंट में मैच जब भी बोलेंगे ना तो ऐसे ही रहता है. वो लोग हारते हारते जीतते हैं, तो वही तो सबसे ज्यादा मजा आता है. क्योंकि जब हमारे पास है ना चांस नहीं रहता है, तो उसमें ये प्रूव होता है कि हम लोग कितना कोशिश कर रहे हैं. क्योंकि जब ऐसा है कि हमारे पास जीतने का चांसेस बहुत कम है, फिर भी हमको हार नहीं मानना है, हमको ना अपना कोशिश करते रहना है. वी नीड टू कीप ऑन ट्राइंग, हमको अपना कोशिश करना है, हमको हार नहीं मानना है. ओके, तो वहां पे कैसा है, तुम्हारा रियल टेस्ट है कि तुम कितना ट्राई करते हो, तुमको कितना ट्राई करते हो. गेनिंग विक्ट्री फ्रॉम द डिफीट, ये है बाजीगर मूवी का बहुत ही अच्छा डायलॉग है. हार के जितने आने को बाजीगर कहते हैं, ये लाइन वो रिप्रेजेंट करता है. ओके, तो यही तुम्हारा सही टेस्ट है कि तुम हारते हारते जो जीतते हो ना, वही तुम्हारा सही टेस्ट है. ओके, तो यहाँ पे यू बीट का मतलब है, ऐसे तो बीट का मतलब मारना है, बट यहाँ पे बीट का मतलब है टू विन. ओके, तो यहाँ पे बहुत अच्छे वर्ड्स बताए हैं. दो द स्टडी ओक हैज नोन, ओक को मालूम है कि हर बार हवा आएगा उसको बेंड करेगा. मेनी अ ब्लास्ट दैट बोर्ड हर, शी हैज राइजन अगेन एंड अगेन, लॉफ्टियर एंड प्राउडर. इफ बाय इजी वर्क यू बीट, अगर आसानी से तुम जीतोगे, हू द नोबल प्राइज यू, तो तुम्हारा इतना ज्यादा वैल्यू, तुमको इतना ज्यादा मजा नहीं आएगा. गेनिंग विक्ट्री फ्रॉम द डिफीट, हारते हारते अगर जीतते हो, दैट द टेस्ट दैट ट्राइज यू, ये सही तुम्हारा टेस्ट है. ओके, वहां पे सही मालूम पड़ता है कि एकदम डिफिकल्ट सिचुएशन में तुम किस तरह से पेशेंट होके तुम ट्राई करते हो, करेजियस होके बाहर निकलते हो, जीतते हो. ओके, तो बहुत ही ब्यूटीफुल पोएम है, डोंट गिव अप. गिव अप मतलब यहाँ पे मीनिंग क्या है, डोंट लूज हार्ट, कोशिश करना स्टॉप मत करना, कोशिश करते रहो, हार नहीं मानना है. ओके, तो बहुत ही ब्यूटीफुल पोएम, वाइफ वाइफ क्या है. ओके, सो हियर वी कंप्लीट अ पोएम, मैंने वहां पे मीनिंग्स लिख के दिया है. राइमिंग पेयर्स देख लेते, लेट्स सी राइमिंग पेयर. लास्ट के वर्ड्स नॉन हर ग्रोन प्राउडर, तो यहाँ पे तुम देख सकते हो फर्स्ट वाले पैराग्राफ में राइमिंग वर्ड्स हमको मालूम पड़ रहा है. फर्स्ट पैराग्राफ में राइमिंग वर्ड्स है नॉन ग्रोन, ओके, फिर है हर प्राउडर.
सेकेंड पैराग्राफ में बीट यू डिफीट यू. तो यू यू सेम वर्ड है, तो वी आर नॉट गोइंग टू टेक इट एज राइमिंग. बीट और डिफीट लेंगे, बीट डिफीट. यू यू नहीं लिख सकते क्योंकि दोनों वर्ड सेम है. ओके, राइम तो कर रहा है बट बोथ द वर्ड्स आर सेम. ओके, सो दिस इज अबाउट 1.1 फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट पोएम. नेक्स्ट टाइम विल बी गोइंग फॉर द नेक्स्ट चैप्टर. होप सो यू हैव एंजॉयड दिस चैप्टर. बहुत कुछ सीखने को मिला रहेगा. ओके, अब तुम्हारा होमवर्क क्या रहेगा, यू नीड टू राइट दिस पोएम वंस. अगर तुम्हारे पास टेक्स्ट बुक नहीं है तो मैंने तो बोर्ड पे लिखा हुआ था. ओके, दो पैराग्राफ इससे पहले, दो पैराग्राफ इसके बाद तुमको क्या करना है, ये पोएम लिखना है, जो मीनिंग्स दिया है वो लिखना है, जो राइमिंग वर्ड्स है इससे पहले के राइमिंग और इसके ये बाद के राइमिंग. तो ये तुमको क्या करना है, यू नीड टू राइट इट वंस. ओके, सो वी एंडिंग टुडे सेशन. थैंक यू.